तो उसने सोचा क्या कहते हैं कि मैं महात्मा नहीं हूँ इसलिए जो है मुझे महात्मा बन जाना चाहिए था। वो अपने गुरु जी से कहते हैं प्रभु मैं तो कुछ प्राप्ति कर नहीं पा रहा हूँ, 16 साल हो गए मुझे, ठीक है ना, तो आप कुछ ऐसा बताइए कि शायद मेरे को लगता है कि मैंने संन्यास दीक्षा नहीं लिया इसलिए मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है या इसलिए मुझे ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो रही है, ठीक है। तब वो पता है क्या कहते हैं, तब वो उसका हाथ पकड़ के बाहर लेके जाते हैं और वहाँ पे खच्चर दिखाते हैं उनको जो लाल काले पीले ऐसे ऐसे रंग के थे, क्या दिखाते हैं जो श्वेत रंग के भी थे। तब उनको कहते हैं देखो अगर कपड़ा पहनने से या रंग से आपको ईश्वर मिलता तो इनको भी मिल जाता ना वही रंग, नहीं समझे। कईयों का तो संतरी रंग होता है, खच्चरों का ऐसे ही होता है कि जैसे संन्यास, अगर संन्यास लेने से ईश्वर मिलते तो कितने सारे ऐसे हैं जो सन्यासी थे ही नहीं। ईश्वर की प्राप्ति सबके लिए सर्वथा उपलब्ध है हमेशा, ठीक है ना, ना सूचि है सूचि का भेद, ना झूठे मुख का भेद, वो तो कैसे में ही आ जाएंगे। आपका मुख पूछना उसका काम है, ठीक है, आपकी गंदगी साफ करना उसका काम है, वो वही आपको मानसिकता देगा, वही आपको ज्ञान देगा, वही आपका सब कुछ करेगा, एक मिनट में धराशायी कर देगा आदमी को, उसका विवेक कहीं खो जाएगा, अपने ही मल में धसा हुआ फिरेगा सारे देश में, नहीं समझे, पागल बना देगा एक सेकंड के अंदर। तो मति गति करने वाले केवल ईश्वर है और कोई है ही नहीं। और प्रणवानंद जी 3 शरीर रख के घुमा करते थे, बाद में ऐसे हो गए थे कि एक शिष्य उनको कहीं देख रहा है, एक शिष्य कहीं देख रहा है, एक शिष्य शाम को समुद्र के किनारे टहल रहा है उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहा है, एक शिष्य घर पे बैठ के उनसे गीता सुन रहा है एक ही समय में। और जब तीनों मिल रहे हैं तो आश्चर्यजनक मुद्रा में पड़ गए, तब पता चला कि गुरु कितने वो है ज्ञानवान है और कितने सबल है कि 3 शरीर के साथ ही संसार में घूम रहे हैं। ऐसे स्वामी प्रणवानंद हुए, ठीक है, जिनको 16 वर्ष तक तो यही नहीं पता चला कहीं ईश्वर भी है और ईश्वर का नाम लेते लेते, नहीं ऐसा नहीं है कि वो ईश्वर का नाम नहीं ले रहे थे उस समय, ईश्वर का नाम लेते लेते ऐसा हुआ, तब उनको संशय हुआ शायद मुझे प्राप्ति नहीं होगी, सबको हो रही है ना, और वो इस गहन दुख में खो गए। अपने गुरु के पास जाते हैं पूछते हैं, तब गुरु कहता है अगर बेटा संन्यास से ये सारा काम होना था तो गधे घोड़े और पता नहीं कितने ऐसे वर्ग हैं जो सन्यासी ही जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन क्या सबको प्राप्ति हो जाती है? नहीं, सबको प्राप्ति नहीं होगी। जिसके अंदर उत्कट इच्छा होगी यानी कि वैराग्य होगा, है ना, असीम स्नेह होगा ईश्वर के प्रति, वो उसी को तो प्राप्त होगा, वो ऐसे प्राप्त होने की चीज़ ही नहीं है। सांसों को कौन जान पाया आज तक? एक वैज्ञानिक नहीं है जो सांसों को जान ले, एक वैज्ञानिक इस धरा पे पैदा नहीं हुआ होगा नहीं कि क्यों जा रहा है और अंदर ऑक्सीजन बन के जा रही है, कौन सी चीज़ उसको कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, पता चला आज तक है जी? तो मल विसर्जन तो ये है नहीं जिसमें गैस उत्पन्न हो जाएगी, ये तो वायु अंदर गई और बाहर आई, जितनी देर में अंदर गई तो क्या था, ऑक्सीजन था, बाहर आई तो क्या हुआ, अरे गया और आया। ऑक्सीजन किसी भी भुवन के कोने में चली जाएगी दूसरी गैस में बदल जाएगी, तो फिर इस भुवन के कोने में जाके दूसरी गैस में रूप परिवर्तित कैसे हो जाती है, किसने सोचा, तुमने सोची ये बात कैसे हो जाती है? डॉक्टर तो फेफड़ों की वजह से बताता है कि क्या कि फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, नाम भूल गया, उनके अंदर से जैसे ही तो इतनी जल्दी काम कर लेते हैं भाई। हाँ जी, चलो तो फेफड़ों के अंदर मत ले जाओ, यहीं गले तक रख लो, फिर बोलो, फिर तो ऑक्सीजन ही रहेगी, परमाणु दो ऑक्सीजन रहेगी भाई, परमाणु तो दो ऑक्सीजन रहेगी, ऐसे फिर कह देंगे गले के अंदर कुछ मिल गया, है तो साइंटिफिक, तुमने कितनी मशीन बना दी, अगर तुम्हारे पास मशीन है कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन बना दो तुम नहीं बना सकते, है कोई मशीन ऐसी है जो कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन बना रही है साथ साथ इतनी तेजी से, तो तुम्हारे अंदर कौन सी मशीन लगा दी भगवान ने, इसलिए चाह के उसको कोई जान ही नहीं सकता। तब कोशिकाएं ये देखते हैं, ये कोशिकाएं जो बना क्यों नहीं देते और ऐसे ही कोशिकाओं का संचार करके मानव को बना दे, ऐसे उनकी हड्डियां उत्पन्न कर दे, ऐसे ही जीव को पैदा कर दे, बदलाव कर सकते हैं, संशय कर सकते हैं, वो भी उसी से निषेचित उसके रज से नहीं उसके सत्य से, और तो कुछ नहीं कर सकते। आप प्राण वायु ले रहे हो उसकी गति नहीं बदल सकते, उसको स्तंभित नहीं कर सकते सदा के लिए, करे तब उसको स्तंभित करते हैं, कहते हैं क्या कि समाधि लग गई, क्या कहते हैं, और मन निषेध हो जाता है, विचारों का आवागमन बंद हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है, प्राण का रोध हो जाता है, प्राण का आना जाना आवागमन बंद हो जाता है,
समाधि लग जाती है। अगर गले में फूल की माला है तो वो मुरझाती नहीं है कभी भी, जब तक समाधि रहती है। समाधि के बाद एकदम से तुरंत मुरझा जाएगी। आया समझ में? फिर ऐसे बहुत सारी चीज है जो कदापि वैज्ञानिक सोच नहीं सकता, और सोचेगा तो कुछ शोध करेगा, शोध करेगा तो कुछ ना कुछ तो पा ही लेगा, लेकिन वो कुछ पाना भी नहीं चाहता, शोध भी नहीं करना चाहता। लेकिन ये वैज्ञानिक ऋषि होता है। ये क्या होता है? ऋषि होता है जो तत्वों पे खोज करता है। किस पे खोज करता है? तत्वों पे खोज करता है। तब वायु और पृथ्वी मिलके पाप बनाते हैं। पृथ्वी पे खड़े रह के कुपित वायु जब मिश्रण करती है तो उससे एक शब्द आता है पै आप है। क्या आता है? आप जो है वो पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है आ, और पै क्या है? तो वायु से ही पाप की, पाप का सृजन होता है। किसका सृजन होता है? पाप का। पाप का सृजन किससे होता है? वायु से ही। और शय किससे होता है बताइए? शय किससे होता है? अग्नि और दूसरा है ऐसे ऐसे देखो, क्षय अक्षय कहाँ से आया? आकाश शब्द है। कहाँ से आया? आकाश का है ना, किसका आया? आकाश का तत्व है। और दूसरा ये आकाश और वायु है ना। जैसे मृत्यु का भी अगर आप वो करें, मृत्यु के बारे में सोचें कि आखिरकार मृत्यु क्या है, मृत्यु में जितने भी शब्द आते हैं वे सब किससे बने हैं? जल पृथ्वी को छोड़ दो, वायु अग्नि आकाश से बने हैं। आत्मा जब शरीर छोड़ता है तो क्या तत्व रह जाते हैं? अग्नि वायु और आकाश। अग्नि क्यों रहती है? क्योंकि अहंकार होता है साथ में, ठीक है। वायु क्यों रहती है? क्योंकि बुद्धि रहता है साथ में, और आत्मा तो है ही हंस, वो किस में रहता है? आकाश में रहता है ना, सर्वोपरि है। तो यहीं से समझ में आता है कि मृत्यु का मतलब क्या है। मृत्यु का मतलब ये है कि दो तत्व का समाप्त हो जाना, सिकुड़ जाना, उसका संकुचन हो जाना, और वे दो तत्व जो है आपकी धारा से खत्म हो जाना। ऐसे हम जब गंभीरता से इन सब शब्दों के बारे में सोचेंगे तो पता चलेगा पृथ्वी के कौन से तत्व हैं, आकाश के कौन से तत्व हैं, जल के कौन से तत्व हैं, वर्ण है, और वायु के कौन से वर्ण हैं। ऐसे तो जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश के जब वर्ण सोचते हैं हम, तो फिर पता चलता है कि इनसे हमने, हमारे यहाँ जितने भी शब्द बने हैं वो सारे के सारे, जैसे आप भोज ले, क्या ले? भोज ले। तो भोज का तात्पर्य, भोज में जो अर्थ लगे हुए हैं, शब्द लगे हुए हैं, वो जो वर्ण है वो बने किससे हैं ये सोचिए। वो भूमि से और जल से, इन्हीं दो चीज़ों से ये तत्व उत्पन्न होता है। क्या होता है? तत्व उत्पन्न होता है। और आकाश का इसमें साचर्य होता है। आकाश पे जो दो लोक के, आकाश लोक के स्वामी हैं, जो सूर्य है या चंद्रमा है, उनसे इसकी ऊर्जा बनती है और तभी आपके यहाँ अन्न उत्पन्न होता है। तो जल और पृथ्वी के तत्वों से मिलके भोज बना है, और नए से मिलके क्या बना है? आकाश से मिलके भोजन बना है, ठीक है। और वहीं से वो उत्पन्न होता है, उन्हीं तीन तत्वों से ये चीज़ उत्पन्न होती है। तो जिन तत्वों से जो चीज़ उत्पन्न होती है हिंदी भाषा में, वैसे ही शब्द हमें मिलेंगे, और वो बहुत शोध किए हुए शब्द हैं। इसके अलावा दुनिया की कोई भाषा ऐसी जो संस्कृत निष्ठ है, हिंदी, दुनिया में कोई ऐसी उत्तम भाषा नहीं है जिसमें एक एक शब्द का ऐसे भी प्रमाण हो। प्रमाण शब्द प्रमाण क्यों है ये भी उसमें पता चल जाता है। क्षय होने में ये दो तत्व लगे, और अमर होने में कौन से दो तत्व लगते हैं? शुद्धि के कौन से दो तत्व हैं? अग्नि, और दूसरा अग्नि और वायु जो है मिलके शुद्धि करती है संसार की। क्या करती हैं? लेकिन अग्नि के साथ वायु का मिलन हो तब। अग्नि में आपने क्या डाला? सामग्री डाल दी। अब खुशबू किसके जरिए चलेगी? वायु के जरिए चलेगी। ऐसे ही एक शब्द है पारा। क्या है? पारा।
पारा अग्नि और वायु को लेके बना है। इन इन पारे में पै जो है वो वायु तत्व है और रह जो है वो अग्नि तत्व है और आ भी जो है वो वायु तत्व है। पारा वो क्या करता है, वो शुद्ध करता है, शोधन करता है हर चीज का, है ना। पारा किस लिए काम आता है, शुद्ध करता है, शुद्ध करने के लिए काम आता है। और यौगिक क्रियाओं में भी आंतरिक शुद्धि के लिए, आंतरिक मल की शुद्धि के लिए पारा कार्य करता है। तो ऐसे बहुत गहनता से बहुत सारे शब्द जो है वो हम खोजते हैं या अपनी भाषा को देखते हैं तो हमें इससे समृद्ध भाषा कहीं नहीं मिलती हिंदी से, जो संस्कृत निष्ठ है और जिसकी देवनागरी लिपि है। जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला, ऐसी दुनिया में कोई भाषा ही नहीं। अंग्रेजी में ही देख लो, COMB कोम या कूम, क्या बोलते हैं उसको, COMB कूम बोलते हैं, कूम ऐसे ही तो बोलते हैं, कोम बोलते हैं। यहाँ पे तो ट्रांसलेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग हो जाते हैं ट्रांसलेशन। फिर क्या एक्सेंट और क्या डिसेंट, कौन सा एक्सेंट है, शब्द दिखा जाओ भाषा में। हिंदी में तो देखो, हिंदी में तो देखो 16 स्वर और व्यंजन देखो सारे, जैसा बोलोगे वैसा लिखोगे, सेम वैसा ही लिखना है, जैसा बोलना मुंह से जैसा निकल गया वैसा ही लिखा जाएगा, एक एक शब्द, ठीक है। इस तरह से हमारे ऋषि महर्षियों ने हमें शब्द प्रदान किए और साथ में जो उन शब्दों के प्रतीक हैं वो भी प्रदान किए, अनुस्वार आदि, है ना, चंद्रबिंदु आदि, हैं जी। इस तरह से तो और तो कहीं ऐसा नहीं है, है अंग्रेजी में पढ़ा तो ऐसा नहीं। अंग्रेजों ने आज अपनी भाषा को समृद्धशाली बना लिया है, इतनी बड़ी डिक्शनरी बना के लेके जिस दिन आए थे 4-5 पेज थे, वे ही 10-20 शब्द बोला करते थे। यहाँ देखा उन्होंने, यहाँ तो गहनतम वो है, अध्ययन किया उन्होंने, सब कुछ ले गए, सबके प्रतीक बना दिए उन्होंने, ठीक है। उनको पता ही नहीं था अनुबंध शब्द क्या होता है, नहीं समझे, सारा कॉन्ट्रैक्ट का मिलान यहीं से कर दिया, सबके लिए एक एक शब्द निकाल दिया, जो जो शब्द हमारी डिक्शनरी में थे सबका सोच सोच के एक एक शब्द बना दिया। ऐसे बोलिए शनिदेव महाराज की। तो भाषा जो है अपनी बहुत सुदृढ़ है, अपनी भाषा को पढ़ो लिखो और इतिहास बनो और बनाओ ऐसे, और वो सारे बीज जो है हमारे काम के हैं, उनसे अनंत प्रकार की शक्ति उत्पन्न होती है। तब आकाश शब्द क्यों आया, पृथ्वी के लिए पृथ्वी क्यों आया, आगे ना पैर है थे वी क्यों आया, ये शब्द चीज़ें आपके क्या आ जाएंगी, यहाँ माइंड में आ जाएंगी और तब आप गहनता से समझ पाओगे सब। जय शनिदेव सबको। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। जय शनिदेव।